फर्स्ट लेट एसार्ट विश्व होता है, कि उसका कैसा है तो अभी हम देखते हैं कि तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दो है एक है शॉर्क वेव प्रोपोगेशन एक है ग्रैश एक्सपेंशन तो शॉर्क वेव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो एक हमारा बोरहोल है उसके ऊपर स्टेमिंग है और वहां पे हमने अपना एक्सपैंड जो एक्सप्लोजिव है वहां पे डाल के हमने ब्लास्टिंग कर दिया ब्लास्टिंग करने के बाद जो कंप्रेसिव वेव्स है आप देख सकते हो कि ये सराउंडिंग में कैसे एक ओवल शेप में ये बाहर जा रहा है ये वेव्स जो बाहर जा रही हैं उसके वजह से ब्रेकेज हो, हो रहा है और एक्सपैंडेड ब्लास्ट होल जो कि हुआ है हमारे ब्लास्टिंग के बाद नीचे क्रश जोन है ओरिजिनल ब्लास्ट होल हमारा उतना था फिर उसके बाद ब्लास्टिंग के टाइम पे हमारा एक्सपैंडेड ब्लास्ट होल हो गया और हमारे जो वेव्स है वो मूव कर रहे हैं ये हो गया हमारा शॉक वेव प्रोपोगेशन एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द गैस प्रेशर एक्सपेंशन गैस प्रेशर एक्सपेंशन में सेम थिंग है यहाँ पे हमारा स्टेमिंग uh, हो रखा है हमारा बोर होल है हमारा क्रश जोन है एक्सपेंशन के बाद पर जो गैसेस है वो कैसे एक्सपैंड हो रही है गैसेस देख सकते हैं

अब देख सकते हो जैसे दोनों में वेव शॉपोगे में और ग्रास प्रेशर एक्सपेंशन में ये जो दोनों में जो डिस्टर्बेंस है वो मूव कर रहा है जो कि स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा है उस मीडियम में और दूसरा इट कैरीज एनर्जी एंड कैन प्रोपोगेट टू मीडियम बट इज कैरेक्टराइज बाय एन अब्रप्ट नियरली डिस्कंटिन्यूस चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम कि ये जो है ये मीडियम में कॉन्स्टेंटली लाइक एनर्जी कैरी करता है और वो प्रोपोगेट करता है पर कभी कभी ये चीज रुक जाती है और उसके रीजन्स हो सकते हैं जैसे कि हमारा डिस्कंटिन्यूटी हो गया या फिर हमारा प्रेशर चेंज होता है उस पर भी होता है और हमारा टेम्परेचर और डेंसिटी भी जो मीडियम की है ये चीज उस प्रोपोगेटिंग डिस्टर्बेंस को इफेक्ट करती है और उसको रोक सकती है एडॉप्ट करती है ये हो गया हमारा शॉक वेव इम्पोर्टेंस सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज क्रिटिकल डायमीटर क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है तो इट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ चार्ज बिलो विच द डिटोनेशन डज नॉट प्रोसीड रिजल्टिंग इन मिस फायर इज कॉल्ड क्रिटिकल डायमीटर तो अभी हम कोई भी एक होल बना रहे हैं उसमें हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो so उसका जो क्या बोलते हैं मिनिमम डायमीटर जो है वो एक पार्ट से एक मतलब एक सर्टेन डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए अगर वो कम हुआ एक क्रिटिकल डायमीटर उसको बोलते हैं कि सबसे मिनिमम कि इससे कम नहीं होना चाहिए जो भी बोरल है उसका डायमीटर इससे कम नहीं होना चाहिए अगर इससे कम हुआ तो उससे मिसफायर हो जाएगा तो वो जो सबसे मिनिमम डायमीटर है उसको हम क्रिटिकल डायमीटर बोलते हैं ये हो गया हमारा क्रिटिकल डायमीटर का डेफिनेशन तो अभी क्या है कि इट एग्जिस्ट फॉर बोथ हाई हाई वेलोसिटी वेलोसिटी एंड लो डेटोनेशन दोनों के लिए है ये चीज मतलब अगर हमारा हाई वेलोसिटी डेटोनेशन मतलब हम बहुत हेवी ब्लास्टिंग करने वाला है तो उसमें भी हमारा क्रिटिकल डायमीटर मैटर कर रहा है और हमारा लो वेलोसिटी डेटोनेशन में भी हमारा क्रिटिकल डायमीटर मैटर कर रहा है तो ये हो गया हमारा दो पॉइंट दैट इट एग्जिस्ट इन बोथ एच एफ डी या फिर हाई वेलोसिटी डेटोनेशन और एल एफ डी मतलब लो वेलोसिटी डेटोनेशन ये दोनों में होता है तीसरा है डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर कन्फाइनमेंट कंटेमिनेट टाइप ऑफ डेटोनेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जोमेट्री ये जो क्रिटिकल डायमीटर है ये बहुत सारे अलग अलग चीज पे डिपेंड भी करता है जैसे कि हमारा टेम्परेचर क्या है हमारा कन्फाइनमेंट क्या है हमारा कंटेमिनेट्स क्या क्या है या फिर हम कौन से टाइप का डेटोनेशन यूज कर रहे हैं और सबसे ज्यादा उसकी जियोमेट्री कैसी है ये सारे फैक्टर्स पे भी हमारा क्रिटिकल डायमीटर हम एक सेट करते हैं तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल डायमीटर का पार्ट सो लेट्स गो टू आर नेक्स्ट पार्ट विच इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज की कैलकुलेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या होता है कि हम जो एक्सप्लोजिव डालने वाले हैं हम कितना डालेंगे उस चीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव पोर्ड पर मीटर ऑफ चार्ज लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन लीनियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि हम कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव ले रहे हैं पर मीटर ऑफ बोरहोल के लेंथ में कितना मीटर कितना अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव ले रहे हैं हम पर मीटर के लिए तो वो चीज को हम लीनियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं और इसको के जी पर मीटर जैसा कि हमारा डेफिनेशन है कितना के जी ऑफ एक्सप्लोजिव हम कितने मीटर के लिए एक मीटर के लिए कितना ले रहे हैं तो ये चीज हो गया हमें इससे लीनियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन या फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला है पाई डी स्क्वायर बाय फोर रो सी तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज कॉन्सेंट्रेशन और उसका ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं विच इज के जी ऑफ एक्सप्लोजिव बाय पर मीटर ऑफ चार्ज होल ये इससे हमें कितना चार्ज हमें चाहिए उसके बारे में हमें पता चल सकता है या फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज हम पता कर सकते हैं तो नेक्स्ट इज पाउडर फैक्टर पाउडर फैक्टर क्या होता है Factor, it is a कि हमारा एक बड़ा सरफेस है वहां पे हमने एक होल किया वहां पे हमने एक्सप्लोजिव डाले और उसको ब्लास्ट कर दिया अभी हमने मान लो हमने जितना अमाउंट हमको एक्सप्लोजिव <coughs> यूज हुआ उतने उतने अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ रॉक के लिए कितना यूज हुआ है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम पाउडर फैक्टर बोलते हैं so, सो अगर वापस पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच रॉक इज ब्रोकन एंड हाउ मच एक्सप्लोजिव इज यूज टू ब्रेक कितना रॉक हमारा टूटा और कितना हमारा एक्सप्लोजिव उसके लिए यूज हुआ और पाउडर फैक्टर क्या होता है पाउडर फैक्टर में इंडिकेट्स इंडिकेट indicate क्या होता है कि इसमें हमें हार्डनेस ऑफ द रॉक पता चलती है कि रॉक का हार्डनेस कितना है वो चीज पता चलता है हमारा कितना एक्सप्लोजिव यूज हुआ उसका कॉस्ट कितना है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं और हमारा प्लानिंग अ शॉर्ट कि शॉर्ट को हम प्लान कर रहे हैं ये पाउडर फैक्टर की वजह से हमको एक शॉर्ट मतलब किस काइंड kind ऑफ of हम एक्सप्लोजन करने वाले हैं क्या प्लानिंग है उसको भी हम प्लान कर सकते हैं ये हो गया हमारा हाउ इट इंडिकेट्स वॉट इंडिकेट्स पाउडर फैक्टर क्या इंडिकेट करता है ये तीन पॉइंट थे नेक्स्ट इज हाइयर पाउडर फैक्टर लाइटर द लोड मतलब अगर ज्यादा पावर फैक्टर होगा तो जो लोड है वो थोड़ा कम होगा और जो लोअर पावर फैक्टर होगा उसमें हमारा एक्सप्लोजर ज्यादा होगा हायर पाउडर फैक्टर का मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं हायर पाउडर फैक्टर लाइटर द लोड बोल रहा है लाइटर द लोड मतलब कि हमारा कैसे बोल सकते हैं कि हमारे जो एक्सप्लोजिवस है उसमें कम यूज हो रहा है तो हमारा क्या बोलते हैं रॉक भी कम हो रहा है पर लोअर पाउडर फैक्टर मतलब पाउडर फैक्टर अगर कम है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा एक्सप्लोजिव ज्यादा यूज कर रहे हैं पर हमें आउटपुट है तो ये चीज हो गया हमारा हायर पाउडर फैक्टर और लोअर पाउडर फैक्टर और इसका फॉर्मूला है टनेज ऑफ पी एफ और पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू टन ऑफ रॉक ब्लास्टेड बाय पर के जी ऑफ एक्सप्लोजिव ये हो गया हमारे पाउडर फैक्टर के बारे में सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट सो थैंक यू फ्रॉम माइंड मैडम